हम तो बोल रहे हैं ये जोशी की लड़की ना जरूर नाक कटवाएगी। छोटे छोटे कपड़े पहनकर दिन भर फोन में लगी रहती है। जरूर इसका चक्कर चल रहा है, देखना तुम, देखना क्या होता है आगे जाके। अरे रे, कितना बड़ा निक्कर है, इससे छोटा निक्कर नहीं मिला क्या? मैं जा रही हूँ। अरे इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? ऐसे ही पास में घूमने जा रही हूँ। रुक, मैं भी साथ में चलता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 8। सो हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से विमेन को जज किया जाता है, या मैं दूसरे शब्द में कहूँ तहे दिल से जज किया जाता है, वो ख़त्म तो हो नहीं पा रहा है। तो अगर मैं ये बोलूँगी कि मैन आर नॉट जज्ड, तो वो गलत होगा। मैन आर ऑल्सो जज्ड, बट जो वेमेन है वो इस कॉम्पिटिशन में बहुत आगे निकल चुकी है, एंड तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर तुम उनसे आगे निकलना चाहते हो तो। सो लास्ट वीक क्या हुआ था, लास्ट वीक मैं अपने डॉग के साथ अपनी गली के बाहर ही वॉक कर रही थी। यूजुअल है, हम रोज़ आपको वॉक करने जाते हैं। अंधेरी रात थी, स्ट्रीट लाइट्स चल रही थी, तभी अचानक बाइक में दो लोग मेरे पास से गुजरे, ठीक है, फिर दोबारा गुजरे, मैंने कहा ठीक है, फिर तीसरी बार फिर से आए, तो मैंने कहा क्या चाहते हो, यू नो तेज़ आवाज़ में बोले, मैंने कहा क्या चाहते हो, तो वो लोग एज यूजुअल पता है रिस्पॉन्स क्या होता है, चले गए। ब्रेव है यार वो लोग, प्लीज़, ठीक है। उसके बाद मैं घर की तरफ आ रही थी, फिर वो थोड़े डिस्टेंस में आके ना एकदम इफेक्ट देने के लिए वो मुझे देख के हॉर्न बजाया उन्होंने। फिर मैंने बोला क्या चाहते हो, फिर वो लोग दोबारा निकल गए और फिर दोबारा नहीं आए और मैं घर के अंदर चली गई। सो ये जब इंसिडेंट हुआ, ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत बार हुए हैं, आपके साथ भी बहुत बार हुए होंगे, पर ये जो इंसिडेंट था ये मेरे घर के बाहर हुआ था, मेरी गली में। एंड उस दिन मुझे मतलब ये लगा कि हम आज़ाद तो हैं, पर क्या लिटरली हम आज़ाद हैं? अगर घर से बाहर निकलने से पहले मुझे 100 बार सोचना पड़ रहा है तो क्या मैं आज़ाद हूँ? मैं अपनी बात करूँ तो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, हमारे घर में रोक टोक बहुत कम होती है, पर सब जगह ऐसा सीन नहीं है। और अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर के बाहर शॉर्ट्स पहनकर घूमने के लिए नहीं टोका है तो ये सरासर झूठ होगा, लेकिन स्टिल आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। तो आज की जो पोयम है वो इसी आज़ादी के ऊपर है जो हमें नहीं मिली है, तो शुरू करते हैं। आज़ाद हुए कई साल हुए हैं, पर आज भी आज़ाद नहीं हूँ मैं। सूरज की पहली किरण से सूरज की आखिरी रोशनी तक आज़ाद नहीं हूँ मैं। शरीर ढका हो या ना हो, नज़रों की मोहताज हूँ मैं, आज भी आज़ाद नहीं हूँ मैं। पूछो उन नज़रों से जो पीछा करती हैं, पूछो उन लोगों से जो घूरा करते हैं, क्या आज़ाद हूँ मैं? घर के अंदर भी बंदिश है, बाहर तो अलग ही रंजिश है, तो क्या आज़ाद हूँ मैं? फूक फूक कर कदम रखती हूँ, अंधेरे में घर से निकलने में डरती हूँ, तो क्या आज़ाद हूँ मैं? कुछ गलत हो तो दोष मेरा है, छोटे कपड़ों से तो आकर्षण पड़ता है, अगर आज भी ये सुनने को मिल रहा है तो क्या आज़ाद हूँ मैं? सो गाइज, ये पोएट्री थी, बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट अगर पसंद आए तो। और मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है जिसका लिंक है बायो में, बायो पता नहीं क्यों किया मैंने, बायो में, प्लीज़ चेक इट आउट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई थीम के साथ, एक नई पोएट्री के साथ, तब तक के लिए बाय।